भागलपुर में आम लोगों के सेहत के साथ हो रहा है खिलवाड़। जिला फूड सेफ्टी सिक्योरिटी तकनीकी विभाग के द्वारा जिला में कई दुकानों की हुई जांच। भागलपुर जिला में तिलका मांझी के कई दुकानों का चलंत फूड सेफ्टी सिक्योरिटी तकनीकी विभाग के द्वारा वैष्णव होटल, भवानी मिष्ठान होटल सहित कई दुकानों का तकनीकी जांच किया गया और सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई। फूड सेफ्टी पदाधिकारी मोहम्मद इकबाल और प्रयोगशाला प्रावैधिकी विजय कुमार गुप्ता द्वारा सभी दुकानों का सैंपल लेकर ऑन द स्पॉट जाँच रिपोर्ट भी दिया जाता है। वही जाँच अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि जाँच क्रम में भवानी मिष्ठान दुकान, वैष्णव होटल सहित तिलका मांझी के कई अन्य दुकानों का जांच किया गया। वहीं जांचों उपरांत लगभग सभी दुकानों के खाना और मिठाई में मिलावट होने का बात बताई गई। वहीं उक्त मिलावटी खाना और मिठाई खाने के बाद लोगों के सेहत पर काफी बुरा असर पड़ेगा। वहीं अधिकारियों द्वारा सभी दुकानदारों को मिलावट नहीं करने का हिदायत दिया गया। यदि भविष्य में दोबारा सामान में मिलावट मिलने पर सरकार के नियमानुसार धारा सहित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं हम आपको बता दें कि पूरा देश में नवरात्रि का महापर्व शुरुआत है। वहीं बाजार में मिलने वाली मिठाई से लेकर खाने पीने वाले सामान खाने से सेहत पर बुरा असर हो सकता है। इसमें हम लोग पहले तो ये गाड़ी का मेन मकसद है ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड अवेयरनेस। इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, प्लस जिस दुकान में जाते हैं उसको बताते हैं भैया आप में ये मिलावट है या तो नहीं है, प्लस कुछ जागरूकता अभियान हम लोग भी छेड़ते हैं। जैसे स्कूल में भी जा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग देखना है, उसी आधार पे हम लोग देन एंड दिया तुरंत जांच जैसे करते हैं, तुरंत हम लोग रिपोर्ट देते हैं कि आप में कुछ जैसे मैदा की मिलावट होता है, कुछ होता है कपड़ा में लगाने वाला कलर उसको मिठाई में यूज कर देता है, तो उस चीज़ को हम लोग केमिकल में डाल करके देखते हैं कि मिलावट है क्या नहीं है, समझ गए। हम लोग पॉइंट ऐसे क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, इसमें कितना मिलावट है वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ मिला हुआ है उस चीज़ को हम लोग कार्रवाई ना हम लोग जो जागरूक करते हैं, हम लोग दुकानदार को भी जागरूक करना है कि देखिए इस बार मिलावट हो चुकी है आप में, आइंदा फिर दोबारा आएंगे तो आप पे कड़ी सजा भी हो सकती है इसमें, समझे। इसीलिए इसको सुधार कीजिए, प्लस दूसरे को भी बोलिए कि मिलावट नहीं बेचे, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर है तो उससे तो वो ओरिजिनल पैसा ले रहा है, कोई भी चीज कोई आइटम बेच रहा है तो ओरिजिनल के नाम पे वो पैसा ले रहा है, लेकिन उसमें मिलावट करके वो बेच रहा है, समझे। हाँ इसमें जैसे आप कपड़ा वाला कलर कभी कभी यूज कर देता है तो वो तो सेहत पर भी आपका किडनी पे लीवर पे जो भी है वो असर होगा मिलावट। ये जागरूकता अभियान ये शराबनी मेला इसे हम लोग चालू किए हैं। आज हम लोग तिलका मांझी से लेकर चले हैं, पर डे हम लोग को शेड्यूल रहता है कि अब इसके अंडर में भागलपुर भी आता है, बांका भी आता है, तो हम लोग पहले से शेड्यूल बना देते हैं कि आज मुंगेर जाना है या भागलपुर में किस एरिया में बांका जाना है। अब तीन या दो जिला तो हमारे अंडर में सर, हमारे नुमारी मुख पदाधिकारी हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ये सर है। आज हम लोग तिलका मांझी चले हैं, एक कितने दुकान का हम लोग तीन चार हो तो देख के बता सकते हैं, लगभग चार ये दो छः सात दुकान हम लोग कवर। प्रोडक्ट में आप क्या सैंपल क्या लेते हैं जांच करने के लिए? सैंपल में जैसे किसी मिठाई दुकान पे चले गए तो छेना उठा लिए, जो हमको डॉट लगा ज़्यादा आती है तो छेना उठा लेते, जलेबी उठा लिए, कलाकंद उठा लिए, ज़्यादा हम लोग का जो रहता है मेवा पेड़ा उड़ा पे। सुधार हम लोग तो अवेयरनेस करके चले जाते हैं, फिर दोबारा अगर उस दुकान पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम मेरा विजय कुमार गुप्ता नाम हुआ, हम सब और LT हैं, लैब टेक्नीशियन थे, लेकिन हम प्रतिनियुक्त में इस गाड़ी के लिए सिविल सर्जन के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं, यानी शराब नहीं मिला उसमें। ये देखिए अभी जो अवेयरनेस जागरूकता अभियान के तहत